इस हफ्ते भंवर में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे केसेस जिनके फैसलों ने कानून के इतिहास को बदल कर रख दिए हैं। आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही नायाब किस्सा है। औरत पर किए गए बलात्कार का ये एक अजीबो गरीब किस्सा है जिसने अदालतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या एक औरत दूसरी औरत के साथ बलात्कार कर सकती है। मोनू बेटा जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो बाथरूम में? मम्मा आओ जल्दी बाहर आओ, ये कपड़े पहन लो, हमें नानी के घर जाना है। लेकिन मेरे स्कूल का क्या होगा? बेटा वो बाद में देख लेंगे, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। मोनू जल्दी। मोनू मोनू जल्दी करो। मम्मा मुझे भूख लगी है। बेटा अभी नहीं, हमें अभी निकलना होगा, चलो कम। चलो मैं रेखा शर्मा दरवाजा खोलिए। रेखा शर्मा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए रेखा शर्मा। वो रही, पकड़ा से, पकड़ा से। अरे रुको, छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़िए मोनू। मम्मा मेरा हाथ छोड़िए। यू आर अंडर अरेस्ट। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने किया क्या है? मिसेज रेखा शर्मा, मेरी 15 साल की ड्यूटी में मैंने आज तक किसी औरत को गिरफ्तार करते वक्त वो नहीं कहा तो अब कहने जा रहा हूँ। मिसेज रेखा शर्मा, आपको मिस अनु शास्त्री के रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आपको मिस अनु शास्त्री के रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आपको मिस अनु शास्त्री के रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आपको मिस अनु शास्त्री के रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। Order, order. Silence in the court, please. Mr. Pawan. अगर आपका हास्य कवि सम्मेलन बंद हो गया हो तो हम आगे बढ़े please. मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन क्या करें, आज का ये केस अपने आप में खुद एक मजाक सा बन के रह गया है। एक औरत के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है योर ऑनर, और एक औरत के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाना ठीक उसी तरह होता है जिस तरह एक अंधे का चश्मदीद गवाह बनकर, आई विटनेस बनकर कोर्ट में गवाही देना। ये मजाक नहीं है मिस्टर पवन, ये बात शायद आपके लिए मजाक हो सकती है और उस औरत के लिए नहीं जिसका बलात्कार हुआ है। योर ऑनर, हम उसकी पीड़ा का मजाक नहीं बना सकते।
ये लीजिए भैया। ये अनु मोनू कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना एक साथ रहना। अभी नहीं भाभी, अभी हमारा कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाया। चीटर, तुम्हारी मम्मी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। बस बस क्या कर रहे हो? तुम अब बच्ची नहीं रही हो, यहाँ लोग हैं, सब देख रहे हैं। कौन देख रहा है भाभी? अनु ज्यादा स्मार्ट मत बनो, चलो अभी जल्दी अपना ये गेम खत्म करो, देरी हो रही है, घर जाना। भैया कितने हुए? 20 रुपए। ये लीजिए, चलो चलो जल्दी चलो 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 कम ऑन। तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए अनु, पब्लिक प्लेसेस में कैसे बोलना, कैसे बिहेव करना, ये हर लड़की को सीखना ही पड़ता है। अब तुम लड़कियां ही इतनी फ्री हो जाओगी तो लड़कों का क्या कसूर? वो तो ऐसी ही नजरों से देखेंगे ना। उफ़ भाभी चिल, आप भी ना, आपको उस लड़की को समझाना चाहिए था, आप मुझे क्यों समझा रही है? यू? वो लड़का मेरा पड़ोसी नहीं है, तुम हो। आ गई तू? हाँ। हो गई तुम्हारी शॉपिंग रेखा बेटी? जी राधा आंटी, ये लीजिए आपकी सब्जियां सारी ला दी। थैंक यू बेटा। इट्स ओके आंटी। और अनु, मैंने जो कहा उसे याद रखना, इस शहर में रहने के लिए बहुत जरूरी है। क्या हुआ रेखा? कुछ नहीं माँ, वो भाभी बस विमेन सिक्योरिटी को लेके थोड़ी सी टेंस हो रही थी। क्या? मार्केट में कुछ हुआ क्या? अरे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन समझाइए अपनी बेटी को, थोड़ा सलीके से रहे। अच्छा भाभी मैं जा रही हूँ। अनु टीचर, कल ट्यूशन है ना? हाँ क्यों? एक्चुअली आपने जो होमवर्क दिया था वो फिनिश नहीं। अच्छा, तो घर पे जाके फिनिश कर लेना, लेकिन ट्यूशन के लिए नो छुट्टी, समझे? बाय। अरे बोलो, तुम होती हो तो मुझे अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं होती, ऐसे ही उसे बीच बीच में डांटती रहा करो। जी मैं चलती हूँ, विनोद आ गए होंगे। ठीक है। ऑफ कोर्स बेबी, काश तुम यहां मेरे साथ होती, कितना मजा आता। हाँ अच्छा, अभी मैं फोन रखता हूँ, मैडम सामने से आ ही रही हैं। लव यू टू बेबी, कल मिलते हैं ऑफिस में। ओके बाय। चारी रेखा दीदी, वो इनके लिए मरी जाती है और ये भाई साहब यहाँ वहां मुंह मारते रहते हैं। हाँ। ओह, देखा, थैंक गॉड तुम आ गई। पता है कब से मेरा सिर दुख रहा है। तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों की बनी हुई चाय मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। हाँ। अभी लाए। दीदी एक बात कहूँ? हाँ बोल ना। साहब ना आज फोन पे किसी से बात कर रहे थे और वो शायद कोई लड़की थी। क्या? हाँ दीदी, उनके बातों से पता चला। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही है तू? तू यहाँ काम करने आती है या मेरे पति पर नजर रखने? लेकिन दीदी मैं सच कह रही हूँ। चुप कर।
निकल यहाँ से, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है तुझे, निकल। दीदी सच बताकर गलती कर दी मैंने आपको, लेकिन अगर आपको आंखें बंद करके जीना है तो आपकी मर्जी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत सिखा, मेरे पति को मैं तुझसे बेहतर समझती हूँ। तू निकल यहाँ से, निकल। दीदी मैंने कहा निकल, निकल यहाँ से। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो क्या हो? क्या मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांस भी नहीं कर सकता? छोड़िए मुझे, पहले कपड़े उतारने दीजिए। यहाँ मेरा मतलब है तार से कपड़े उतारने। हाँ। आप भी ना। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम काम काम काम, अभी दो मिनट हमारे लिए भी निकाल लो। कोई देख लेगा। तुम यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो, इधर यहाँ बैठो, बैठो ना, एक सिप लो ना। बेबी तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी और भाई की बातें सुन ली थी, लेकिन मैं आप तो पागल है, कुछ भी कहती रहती है। उसका प्रॉब्लम यह है कि उसका दूसरा पति भी उसे छोड़कर चला गया, इसलिए चलती है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मुझ पे विश्वास करने के लिए। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। चलिए अब आप अपना ड्रिंक पूरा कीजिए, मुझे और भी काम है। इसके घर पे इस समय कौन ताक झाक कर रहा है? अरे क्या हुआ? कौन था वो आदमी? नहीं अंकल, वो वॉचमैन था, आपके घर के पीछे ताकचक कर रहा था। राम, लेकिन वो मेरे कमरे के बाहर ताकचक क्यों कर रहा था? हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? भाग गया ना वो, पर टेंशन मत लो, उसका नंबर तो मिल जाएगा, ऑफिस में होगा। उसके खिलाफ ना पुलिस केस करेंगे हम। मुझे पता था ऐसे ही होगा, और ये सब तुम्हारी गलती है अनु,
सबके साथ इतनी फ्रेंडली तरीके से पेश आती हो, इसीलिए ऐसी बीमार मेंटालिटी के लोग ऐसी हरकतें करने के लिए एनकरेज हो जाते हैं। अंडू बेटा, तुम घर के अंदर जाओ। चल बेटा। थैंक यू बेटा विनोद। अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। ये मोबाइल दोस्त है, खराब हो गया था ना तो रिपेयर के लिए देना है, मैं रख देता हूँ। देखिए, उस दिन के हादसे के बाद मन में थोड़ी फिक्र रहती है कहीं बाहर जाने में, पर आप लोग हैं तो मन में थोड़ी शांति रहती है। आप 7 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं और अन्नू को अकेले घर पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अन्नू हमारे घर रहेगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लेकिन रेखा बेटी, आप मुझे बेटी समझते हैं ना, तो उस नाते अन्नू मेरी छोटी बहन हुई, मैं अपनी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। अन्नू हमारे घर रहेगी। ठीक है बेटे, जैसा तुम ठीक समझो।
सॉरी, मुझे लगा मोनू यहीं कहीं होगा तो मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ आ गया। I'm sorry. मोनू, ये लो पानी। Relax, relax, relax. वो पीछे कुछ लगा हुआ था, बस मैं निकाल रहा था उसे। Five fives are 25. Good. Six sixes are 36. Seven sevens are 47. 47. कैसे? Count करो. Seven ones are 7. बहुत दर्द हो रहा है मोनू, जाकर बाम लेकर आ। हाँ ठीक है। शायद वो आ गई। अनु, तुम प्लीज प्रेस कर सकती हो? यहाँ ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मजबूरन छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए मुझे। भूलना मत, तुम्हारे फोटोज अब भी मेरे पास हैं।
सबको दिखा दूंगा, किसी को बताना नहीं। पता नहीं क्या हो गया है उसे, इतना अजीब बिहेव कर रही है, पता नहीं क्या सोच रही है आजकल। तुम जाकर देखो ना, हाँ आखिर बात क्या है, पूछो उससे। क्यों आ गई? अब कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। अनु, भाभी आज मैं यही सो जाऊंगी। ठीक है, मैं भी तेरे साथ यही सो जाती हूँ। नहीं भाभी, वो मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। बात क्या है ना, सब ठीक तो है ना? जी भाभी, अब टेंशन मत लो, रात बहुत हो गई है, अब जाओ। गुड मॉर्निंग बेबी, क्या हुआ? पता नहीं, आज अनु मोनू को पढ़ाने भी नहीं आई, ऐसी क्या बात हो गई होगी? छोड़ो ना, होगा उसको कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का चक्कर। अनु, आ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूं। भूलना मत, तुम्हारे फोटोज अब भी मेरे पास हैं। अनु, मैं वो अनु सॉरी, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मम्मी पापा के आने का वेट कर रही हूँ। जैसे वो आएंगे ना, मैं उन्हें बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या। अनु देखो, क्यों बात को बढ़ा रही है? मैं माफी मांग रहा हूँ ना। जस्ट ड्राइव।
विनोद कहाँ हैं आप? मोनू, बेटा पापा कहाँ है? कुछ ही देर पहले बाहर गए थे। अनु मिस आई थी क्या आज? नहीं। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या सोच रही है। यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ वरना मैं चिल्ला दूंगी। आज का जूस कुछ ज्यादा ही फ्रेश नहीं था। Ah!
इस रेप केस में विनोद शर्मा को 14 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस केस का एक अजीब सा पहलू अभी बाकी है। पीड़ित महिला ने विनोद शर्मा की बीवी रेखा शर्मा के खिलाफ भी गैंग रेप का आरोप लगाया है। शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ हो कि एक औरत के खिलाफ गैंग रेप का आरोप लगाया गया है। इस नायाब मामले की सुनवाई के लिए 2 जजेस की एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है। लेकिन क्या हमारे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक औरत को गैंग रेप में सजा सुनाई जा सके? सच तो ये है कि मिसेज रेखा शर्मा उस वक्त उस जगह मौजूद थी जहां इन्हीं के पति अनुशास्त्री का रेप कर रहे थे, और सेक्शन 376D के तहत मिसेज रेखा शर्मा पे गैंग रेप का इल्जाम बनता है। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि आप इस औरत को सजा दें और एक ऐसी मिसाल कायम कीजिए जिससे आज के बाद कोई भी औरत ऐसे घिनौने अपराध में भागीदार होने की सोच भी ना सके। सोनिया जी, आप इतनी हाइपर क्यों हो रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप अपने ब्लड प्रेशर की गोलियां लाना भूल गई हैं। मिस्टर पवन, एक मिनट, ये लीजिए, पानी लीजिए और गोलियां खा लीजिए, वरना आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा। मिस्टर पवन, योर ऑनर, मेरी काबिल वकील साहिबा ने अभी भी सेक्शन 376D के बारे में समझाया और बखूबी समझाया, लेकिन हमें सेक्शन 375 पर भी गौर करना चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सिर्फ बलात्कार एक मर्द कर सकता है, वो भी औरत के साथ में। आई रिपीट, रेप सिर्फ एक मर्द एक औरत के साथ कर सकता है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि एक औरत के साथ बलात्कार कर सकती है। सेक्शन 376D इंटेंट टू कमिट रेप के मुताबिक जो व्यक्ति बलात्कारी का साथ देता है उसका साथी बनता है, वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि वो व्यक्ति जिसने वास्तव में बलात्कार किया है। सोनिया जी, सेक्शन 376D 2G में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटेंशन टू कमिट रेप एक औरत पर लागू नहीं होता। 375 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि रेप सिर्फ एक मर्द कर सकता है, एक औरत नहीं। जब जुर्म एक है तो सजाएं क्यों नहीं हो सकती मिस्टर पवन? सोनिया जी, ये कानून है और हमें कानून के दायरे में रहकर ही बात करना है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर पवन, आप औरत की भावना को कानून के पन्नों में दबाने की कोशिश मत कीजिए। नारी शोषण मजाक का विषय नहीं है मिस्टर पवन। मिसेस शर्मा जैसी औरत इस देश की नारी के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। अगर इन्हें सजा नहीं दी तो हमारी देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये कोर्ट मिसेस रेखा शर्मा की अपील को डिसमिस करती है। ये फैसला कानून के इतिहास में एक मिसाल के रूप में दर्ज होगा। दिस बी अ लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ, क्योंकि नारी की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। यत्र नार्यत्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तस्युः न पूज्यन्ते सर्वशास्त्र फलेत्रियाः। जहां नारी की पूजा होती है, उसकी इज्जत होती है, वहां देव भी खुश होते हैं। और जहां नारी पर अत्याचार हो, उसके साथ दुष्ट व्यवहार हो, वहां कभी खुशहाली नहीं होती। सेशंस कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए मिसेस रेखा शर्मा को ये कोर्ट 14 साल कैद का हुक्म करती है। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सामूहिक बलात्कार की दफा में संशोधन लाया गया कि एक औरत के बलात्कार में जो भी शामिल हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको भी उसी दफा के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस हादसे से जुड़े सभी लोगों के नाम और उनकी पहचान को गुप्त रखा गया है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.